मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है प्रकाशना के ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्या 14 में, वे मेमने से युद्ध करेंगे और मेमना उन्हें पराजित कर देगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु एवं राजाओं का राजा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु हम सबों को इस महान मौका दिया है उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करने के लिए। हम जिस प्रभु को आराधना कर रहे हैं, हम जिस प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, हम जिस प्रभु की स्तुति और प्रशंसा कर रहे हैं, वो प्रभु सबसे महान है। वो प्रभु प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभु राजाओं का राजा है, क्योंकि उसी ने सब कुछ को सृष्टि किया है, क्योंकि उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके अधीन में नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे सांसें भी उसके अधीन है, हमारे जीवन भी उसके अधीन है, हमारी मुक्ति भी उसके अधीन है, क्योंकि वो राजाओं का राजा हमारे लिए स्वर्ग को त्याग के इस दुनिया में आया और इस दुनिया में अपने जीवन को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, और उसकी कुर्बानी के द्वारा हमारी मुक्ति हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपने आप को संपूर्ण रूप से उस प्रभु को समर्पित करें, उस राजा को अपने आप को समर्पित करें। हमारे सारे दुख तकलीफ, हमारे सारे रोग, हमारे सारे चिंताएं, हमारे सारे आशाएं आकांक्षाएं समर्पित करते हुए, अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु को देते हुए, ताली बजाते हुए, खुशी के साथ, आनंद के साथ हम प्रभु की स्तुति करें, उस राजाओं का राजा को महिमा करें, आराधना करें। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। फिर से गाएं राजाओं का, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, खुशी के साथ, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। और एक बार, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, अपने आवाज को ऊंचा करते हुए, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, गाओ, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, गाओ, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जब प्रभु यीशु रास्ते में जा रहे थे, तब एक
व्यक्ति पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए प्रभु यीशु को देखना चाह रहा था। वो कौन है मालूम है? वो जाके उसे हालेलुया। जब उसके जीवन में प्रभु यीशु को देखने के लिए एक उत्साह आया, तभी उसके जीवन में प्रभु यीशु मुक्ति प्रदान किया। हालेलुया। हमारे दुर्बलता में जब हम यीशु को देखेंगे, जब हमारे निराशा में यीशु को देखेंगे, तब हमारे जीवन में यीशु चमत्कार करेंगे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु के साथ शिष्य लोग नाव में जा रहे थे, समुन्दर में तूफान आने लगा। शिष्य लोग बहुत चेष्टा किए, बहुत कोशिश किए कि वो अपने नावों को आगे बढ़ाने के लिए, फिर भी वो लोग नाकाम हुए। उसी समय जब वो लोग नाकामी में गुजर रहे थे, निराश हो गए थे, तभी वे लोग यीशु को देखे और यीशु के पास गए और यीशु को बोलने लगे। तब यीशु खड़े होके तूफान को शांत किया। हालेलुया। आइए अपने जीवन की उस तूफान भरे समस्याओं को प्रभु यीशु को देते हुए यीशु के ओर देखें। आइए हमारे जीवन के उस रोग को प्रभु यीशु को देते हुए यीशु के ओर देखें और यीशु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। अपना दुर्बलता, दुख, कष्ट, समस्याओं को प्रभु को देते हुए स्तुति करें। शांति देने वाले यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, उच्च आवाज में राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, गाओ राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, आंखें बंद करते हुए हालेलुया गाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, दोनों हाथों ऊपर उठाकर गाए, स्वर्ग दूतों के साथ मिलकर गाए, हालेलुया 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 हालेलुया, गाओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 गाओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 सब मिलके हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, होसना हालेलुया हालेलुया, होसना हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, होसना हालेलुया, होसना हालेलुया हालेलुया, होसना हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ऊंच आवाज में हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया।
राजाओं का राजा, आत्मा और सच्चाई से करूं तेरी आराधना।